चिंकारा शिकार मामले में पैसे और प्रभुत्व से अदालतों को 20 साल तक छकाने वाले सलमान खान अगर दोषी करार हुए तो उसका श्रेय बिश्नोई समुदाय के लोगों को जाता है। पर्यावरण, जंगल, वृक्ष और पशु पक्षियों के रक्षक ये लोग तमाम दबावों और कानूनी तिकड़मों के बावजूद अडिग रहे। उनकी ही गवाही से सलमान खान को दोषी माना गया। कौन है ये बिश्नोई समुदाय के लोग? इतिहास कहता है कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले गुरु जम्भेश्वर ने इन्हें दीक्षित किया था, जिन्हें जम्भा जी भी कहा जाता है। जम्भा जी ने ही विश्नोई समुदाय के लोगों को पशु पक्षियों और वृक्षों की रक्षा के मंत्र दिए। उन मंत्रों को इस समुदाय ने सदियों से जीवन का आधार बनाए रखा है। विश्नोई समुदाय के सर्वाधिक लोग राजस्थान में पाए जाते हैं, जो अपने खेतों में पशुओं आदि को चरने से भी नहीं रोकते, बल्कि उन्हें आत्मवत यानी अपने समान मानते हैं। गर्मियों में उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था तक करते हैं। बिश्नोई समुदाय की जागरूकता और सनातनी संस्कार से ही राजस्थान के जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में सांभर, चीतल, बारासिंगा, सारंग पक्षी, गिद्ध आदि सुरक्षित हैं और यहां उगने वाले वृक्षों को भी बचाया जा सका है। जीव मात्र के प्रति अत्यंत दया और प्रेम से भरे इन लोगों ने इस क्षेत्र में वन्य अपराधियों को पकड़वाने में बड़ी भूमिका निभाई है। 2016 में बिश्नोई समुदाय के प्रयास से वन्य अपराध के 1700 केस दर्ज किए गए। वृक्षों के लिए सैकड़ों की संख्या में अपना शीश कटाने वाला यह समुदाय आज विश्व सभ्यता के सबसे पुराने पारिस्थितिक विद और संरक्षक के रूप में जाना जाता है। आज से लगभग 300 वर्ष पहले जोधपुर के महाराजा ने इस क्षेत्र के खेजड़ी वृक्षों को काटने के लिए सैनिक भेजे तो सैकड़ों महिलाओं पुरुषों ने वृक्षों से लिपट कर अपना बलिदान दिया। महाराज को बाध्य होकर सैन्य अभियान रोकना पड़ा। बिश्नोई समुदाय के इन लोगों को देखकर भारतीय हिंदू जीवनधारा के अति प्राचीन जीवन दर्शन की झलक मिलती है, जहां मनुष्य प्रकृति पूजक हुआ करते थे, जहां उन्होंने नदी, पर्वत, वन और पशु पक्षियों के बीच जीवन दर्शन के उत्कर्ष की वैदिक ऋचाएं रचीं।